जानना चाहते हो एक वीरान जमीन महानगर कैसे बनी? एक वीरान जमीन महानगर कैसे बनी? एक वीरान जमीन महानगर कैसे बनी? मैं मीरा भाईंदर शहर। आज से कई साल पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था। वाकई मैं ऐसा था। मेरी और कोई ध्यान नहीं देता था सिवाय एक इंसान के, सैयद नजर हुसैन। उनका सपना था कि उन सभी लोगों के लिए एक घर बनाऊं जो अपनी आंखों में सपने लेकर इस शहर में आते हैं। मुझे याद पड़ते हैं वो दिन जब बैलगाड़ी में मीरा रोड से हम दहीसर बोरीवली उत्तन भाईंदर बैलगाड़ी में जाया करता था। एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है दोस्तों। यहाँ के रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन्स नहीं रुकती थी, सिर्फ मालगाड़ी रुकती थी, वो भी नमक के व्यापार के लिए। नजर साहब ने रेलवे को बहुत समझाने की कोशिश की। उन्होंने मीरा रोड वासियों के नाम से बड़ी मात्रा में रेलवे पास खरीदना शुरू किया ताकि रेलवे प्रशासन को भरोसा हो जाए कि यहां बहुत सारी लोकसंख्या है। आखिरकार एक साल संघर्ष करने के बाद 1963 से लोकल ट्रेन्स यहां रुकने लगी। मुझे अब तक याद है वो दिन जब 1979 में मुख्य अतिथि के रूप में हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे जी ने नजर हुसैन साहब के नगर निर्माण की नींव रखी थी। फादर के साथ में बचपन से उम्र के 10 साल से मुझे मैं काम करते आया हूँ और तमाम आईएएस आईपीएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कंटिन्यूस उनके साथ रहना, उससे जीवन में एक बात सीखने का जो मौका मिला कि जो कुछ भी करना है वो कायदे के दायरे में करना है, नियम से करना है, लीगली करना है। ये सब में बड़ा कंट्रीब्यूशन मुझे अपने फादर की तरफ से मिला। विकास के काम में आने वाली मुश्किलों को हराकर उसे आगे बढ़ाने के लिए श्री मुजफ्फर हुसैन 1985 में मीरा रोड यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राजनीति में शामिल हुए। उनकी इसी लगन और जोश के दम पर 1991 में वे मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर चुने गए। उनके काम को देखकर मेरे निवासियों ने उन्हें 1996 में फिर से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जिताया और जिस काम के लिए पिछले 10 सालों से वो डटकर लगे हुए थे, उस विशाल सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने एक जबरदस्त डेवलपमेंट प्लान बनाया जिसमें बेसिक सुविधाओं के साथ 386 रिजर्वेशंस का भी उन्होंने समावेश किया था। सुविधाएं जैसे खेल का मैदान, जॉगर्स पार्क, बगीचे, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मार्केट्स आदि। 1999 में वे महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। देखते ही देखते 2002 में वे डेप्यूटी मेयर बने। 2004 में और 2013 में वे महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य M.L.C के पद पर चुने गए। मेरा विकास होता हुआ मुझे नजर आ रहा था। मैं ग्राम पंचायत से नगर पालिका बना और फिर नगर पालिका से महानगर पालिका। पानी इंसान के लिए सबसे बुनियादी जरूरत है। तब सिर्फ 1.5 मिलियन लीटर्स पर डे पानी की सप्लाई थी। पानी के लिए लोग टैंकर्स पर निर्भर हुआ करते थे। पहला पानी जो आया वर्ल्ड बैंक की योजना के अंतर्गत आया 21 MLD पानी 1988 में आया। उसके बाद में हमने 35 MLD पानी लाए, 10 MLD, 50 MLD। जैसे जैसे शहर बढ़ता गया वैसे वैसे हमने पानी की नियोजन की और 2014 तक 175 MLD पानी इस शहर को हमने लाया, मुहैया कराया। और फ्यूचर के लिए 100 MLD सूर्य प्रकल्प जो विक्रमगढ़ में है वहां से पानी लाने की योजना शासन को सबमिट की गई, उसकी मंजूरी हुई। मुजफ्फर हुसैन ने पानी के साथ ही ड्रेनेज लाइंस की भी योजना बनाई।
490 करोड़ रुपयों की धनराशि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के लिए उन्होंने मंजूर करवाई। मेरा विकास होते ही सुनसान जमीन एक महानगर में बदल गई। लेकिन आबादी बढ़ने से समस्याएं भी बढ़ती है। सबसे बड़ी समस्या है शहर का सॉलिड वेस्ट। इतना 26 महापालिका ला सातत्याने मी त्या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या आयुक्तांशी आणि अधिकाऱ्यांशी पाठपुरावा करत असतो सभापती महोदय। पण रावते साहेब आश्चर्यची गोष्ट की जेम थेम 5 ते 8 महानगरपालिकेचे आयुक्त त्या पत्राला उत्तर देण्याचे प्रयत्न करतात पण शेवटी ते म्हणतात की आमच्याकडे अद्यापी कोणतीही योजना राबविण्यात आलेली नाही, कारण आम्हाला सुका कचरा ओला कचरा करायला जमत नाही, लोक साथ देत नाही, डंपिंग ग्राउंडची व्यवस्था नाही। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इस विषय पर उनकी अभ्यासपूर्ण जानकारी के लिए राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी के हाथों उन्हें पुरस्कार देके सम्मानित भी किया गया था। मुजफ्फर भाऊ का मानना है कि किसी भी शहर की सड़कें उस शहर के विकास का आईना है। मुजफ्फर भाऊ के कार्यकाल में सड़कों को बड़े पैमाने पर चौड़ा किया गया। रेलवे लाइंस 2 से 4 हो गई, रेलवे स्टेशन शानदार बन गए, MBMT, TMT, BST तथा ST, इन सभी बस सेवाओं का लाभ मेरे निवासी उठाने लगे। उनके डेवलपमेंट प्लान के तहत आरक्षण में से 40% उन्होंने शिक्षा के लिए दिया। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर इस देश की राजनीति में एक बहुत ही लर्नड पर्सनालिटी थी, पॉलिटिशियन थे, और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उनके वजह से ही मुझे बहुत ज़्यादा लिटरेचर और किताब पढ़ने का मुझे शौक हासिल हुआ। एजुकेशन, लिटरेचर एक ऐसी वेल्थ है कि जो जिंदगी में आपसे कोई कभी छीन नहीं सकता, और यही वजह है कि मैंने अपने घर में अपनी एक लाइब्रेरी रखी है। हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ तो डेफिनेटली कंपल्सन होता है, मगर शहर के अंदर भी हमने महात्मा गांधी लाइब्रेरी बनाई, और शहर का जब डेवलपमेंट प्लान हमने तैयार किया उस वक्त अलग अलग जगहों पे लाइब्रेरीज के रिजर्वेशन हमने करवाए। मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर के कॉलेज, ऐसी कई शिक्षा संस्थाओं का उन्होंने विकास किया। माइंड के लिए, सोच विचार के लिए किताबात जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, उसी तरह से हेल्दी रहने के लिए स्पोर्ट्स जरूरी है, और इस शहर में आने वाले वक्त में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यंगस्टर्स के लिए, नौजवानों के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो। कई साल पहले हमने उसका नियोजन किया, जब डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया इसमें 40% रिजर्वेशन गार्डन प्लेग्राउंड्स के लिए रखे गए। वे खुद स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और नवी मुंबई और थाने रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। प्लांट्स, ट्रीज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, विशेषतः मानसून, विंटर, समर, ये सीजन्स में कौन से प्लांट्स को फ्लावरिंग होती है वो चीज़ देख करके हमने प्लांट्स सेलेक्ट कर करके यहाँ पे लगाए, और आज इतना हरा भरा देख करके लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक अलग ही खुशी मिलती है। हिंदुस्तान की ये संस्कृति है जिसे गंगा जमुनी संस्कृति कही जाती है, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समाज के लोग एक साथ जीते हैं, रहते हैं, और इसीलिए जब जीते जी हम साथ में हैं तो मरने के बाद भी हम साथ रहेंगे। और ये स्मशान, स्मशान के बाजू में मुस्लिम कब्रिस्तान, उसके बाजू में क्रिश्चन बरियल ग्राउंड, शियाओं का कब्रिस्तान, खोजाओं का कब्रिस्तान, गोरियों का कब्रिस्तान, ये सारी चीज़ें एक साथ बनाई गई ताकि हिंदू मुस्लिम एकता का ये एक प्रतीक शहर में रहे। जब किसी शहर की आबादी बढ़ती है तो सेहत की फिक्र भी बढ़ती है, इसीलिए सरकारी दवाखाने, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, मैटरनिटी होम्स का भी निर्माण किया। ये इंदिरा गांधी म्युनिसिपल हॉस्पिटल, राजीव गांधी ब्लड बैंक और यहाँ पर एक मॉर्ग रूम, ये तमाम चीज़ें शहर की जरूरत थी, इसको हमने बनवाया। और 2004 में जब मैं विधान परिषद सदस्य बना तब इसके काम की शुरुआत की गई,
और 2010 में इसको बांध करके पूरा किया गया। आज इंदिरा गांधी अस्पताल में 7 डायलिसिस की मशीन मेरे MLC फंड में से दी गई। आज यहाँ पे हज़ारों लोग पूरे साल में OPD की फैसिलिटीज़ लेते हैं, डायलिसिस की फैसिलिटी लेते हैं। ब्लड बैंक पूरे शहर में मीरा भयंदर में एक ही ब्लड बैंक हमने बनवाया है। मेरा हर एक निवासी एकदम सुरक्षित महसूस करता है। आज मीरा भाईंदर में उनके नियोजन की वजह से ही जुडिशियल कोर्ट और जुडिशियल एकेडमी का निर्माण हुआ है। पुलिस स्टेशन सिर्फ 2 थे, वो अब 6 हो गए हैं। उन्होंने एक दिन मुझसे सवाल पूछा था कि आप पॉलिटिक्स में क्यों हो, तो मैंने कहा कि समाजकरण के लिए, लोगों के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपके सोच और विचार ऐसे होना चाहिए जो समाज के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करे। यही सारी बातें हमको उनसे सीखने मिली और एक प्रेरणा स्थान करके हमने उनका बहुत ही दुखद निधन बहुत जल्दी हुआ तो मीरा भाईंदर में एक चौक का नाम हमने डॉक्टर श्रीकांत जी का चौक रखा। आइए देखते हैं मेरा आगे का सफर कैसा होगा। ट्रेन की सबसे बड़ी समस्या है भाईंदर लोकल बढ़ाना है, भाईंदर से लेडीज स्पेशल ट्रेन्स को बढ़वाना है, मीरा रोड से लोकल शुरू करवाना है, बोरीवली से विरार तक 6 ट्रैक का काम शुरू करवाना है, दहीसर टोल नाका, ये सब में बड़ी समस्या है मीरा भाईंदर वासियों के लिए। घंटों वहां पर लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती है। इस दहीसर टोल नाके को हटाना है तो पानी एक तो इस शहर में लाना, इस पानी के टैक्स को कम करना, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी इस शहर में खड़ी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विजन चाहिए, एग्जीक्यूशन का प्लान होना चाहिए। राई, मोरवा, मुर्दा, उत्तन, पाली, चौक, डोंगरी, तो इन गांवों के ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं, जिसकी फैसिलिटीज उनको नहीं दी गई है, उस टैक्सेशन को हमको वहाँ से हटाना है। ट्रेन की फैसिलिटी, टॉल को हटाना है, पानी लाना है, पानी के टैक्स को कम करना है, गड़बड़ सिंह टैक्स हटाना है, ये सारे काम इस शहर में आने वाले समय में मुझे करना है। ये मेरा निर्धार है, ये मेरा निर्धार है।